हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यू आर वेलकम इन एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। तो हमने पिछली बार हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हमारा लेसन नंबर 5 स्टार्ट होगा, जिसका नाम है माय फैमिली एंड फन, मेरा परिवार और मनोरंजन। इस चैप्टर में हमें अलग अलग फैमिलीज के टाइप्स के बारे में बताया जाएगा और आपस में जो संबंध है उनके बारे में बताया जाएगा और जो कुछ चीज़ें हम घर में सीखते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू वन अनदर। एक फैमिली उन लोगों का समूह है जो कि आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, दे आर आवर फैमिली मेम्बर्स। हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। वी लव आवर फैमिली मेम्बर्स एंड केयर फॉर देम। हमें हमारे परिवार के सदस्यों से प्रेम करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ए फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। वह परिवार जिसमें केवल अभिभावक और बच्चे साथ में रहते हैं उन्हें एकल परिवार कहा जाता है। ए फैमिली कैन हैव ए फ्यू और मैनी मेम्बर्स। एक परिवार में कुछ या फिर बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं। सो फैमिली में भी स्मॉल और लार्ज, इसलिए परिवार छोटा या बड़ा हो सकता है। उसके बाद टॉपिक है टाइप ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों के प्रकार। ए फैमिली इन विच मैनी मेम्बर्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। वह परिवार जिसमें बहुत सारे सदस्य साथ में मिलके रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। इट इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन्स एट्सेट्रा। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, पेरेंट्स, अंकल, आंट और कजिन शामिल है। समटाइम्स चिल्ड्रन मे लिव विद ए सिंगल पेरेंट, आइदर मदर और फादर। कभी कभी बच्चे केवल एक ही पेरेंट या वो चाहे वो माता हो या पिता, कोई एक पेरेंट के साथ रहता है। सच फैमिली इज कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। इस प्रकार की जो फैमिली है उसे सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, जिसमें केवल एक ही पेरेंट बच्चे की देखभाल करता है। फिर डिड यू नो में लिखा है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग टुगेदर मेक ओवर इमीडिएट फैमिली। यानी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, भाई बहन ये सभी साथ में रहकर
हमारा सगा परिवार कहलाता है। एट टाइम्स पीपल अडॉप्ट द चिल्ड्रन एंड लव एंड केयर फॉर देम। दीज पेरेंट्स आर कॉल्ड फॉस्टर पेरेंट्स। कुछ लोग जो है वो बच्चों को गोद ले लेते हैं तथा उनकी देखभाल करते हैं। इस प्रकार के पेरेंट्स फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। द चिल्ड्रन बिकम ए पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज। बच्चे उनकी उनके परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद टॉपिक है फैमिली ट्री। और फैमिली ट्री इज ए चार्ट लाइक ट्री दैट रिप्रेजेंट्स फैमिली रिलेशनशिप्स। एक फैमिली ट्री एक चार्ट जैसा एक पेड़ होता है, पेड़ बना पेड़ जैसा एक चार्ट बना हुआ होता है जिसमें परिवार के जो परिवार में जो अलग अलग संबंध है उनको रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट जनरेशन शोज ग्रैंड पेरेंट्स। पहली जो जनरेशन है वह ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी की है। द सेकेंड जनरेशन शोज पेरेंट्स एंड देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो सेकेंड जनरेशन है दूसरी पीढ़ी है वह पेरेंट्स यानी अभिभावक और उनके भाई तथा बहनों को रिप्रेजेंट करती है। द थर्ड जनरेशन शोज सिबलिंग्स एंड कजिन्स। तीसरी पीढ़ी भाई बहनों और कजिन्स को रिप्रेजेंट करती है। पैटर्नल एंड मैटर्नल साइड फैमिली ट्री विल बी डिफरेंट। पैटर्नल और मैटर्नल जो फैमिली है वो अलग होती है। पैटर्नल और मैटर्नल साइड की जो फैमिली ट्री बना हुआ होता है वो अलग प्रकार से बनाया जाता है। आज की क्लास अवर होती है। थैंक यू।